वहीं राजधानी दिल्ली में धूमधाम से छठ का पर्व मनाया गया। भारत के साथ साथ विदेशों में छठ का महापर्व धूमधाम से मनाया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया और अपने आराध्य देव की आराधना की। इसी के साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ ही चार दिन के छठ महापर्व का समापन हो गया। आस्था के पर्व में आम जनता से लेकर नेता तक आराधना करते नजर आए। सूर्य देव छठ पूजा समिति का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अध्यक्ष जी का भी। इन्होंने छठ पर्व का इतना अच्छा व्यवस्था की है यहाँ पे, और छठ मैया की सब पर कृपा बनी रहे। सभी श्रद्धालु कितने शांति पूर्वक और पूजा और अर्चना कर रहे हैं, और मैं पूरी समिति का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि छठ घाट जो ये दिल्ली में काफी मेगा छठ घाट जो है पूरी दिल्ली के अंदर, ये भी कुछ स्थान पर इनका नाम आया है छठ घाट का भी। श्रद्धालु इसलिए कि हमारा छठ पर्व छठ मैया का आशीर्वाद सब पे बना रहे, और श्रद्धालुओं की श्रद्धा तो होती है, हमारी छठ मैया सब पर आशीर्वाद बनाए रखे। मैं इसी शब्दों के साथ सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, मैया सब पर आशीर्वाद बनाए रहे। लोग हैं वहाँ के पूरे देश के देशवासी ये मान चुके हैं, ये लोक आस्था का महान पर्व, ये बहुत बड़ा त्यौहार है। और इस त्यौहार के माध्यम से ये बताना चाहेंगे, ये पहला त्यौहार है विश्व का जो हम लोग डूबते हुए भी सूरज को अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे नज़र में पूरे देश के हर निवासी, गरीब हो, अमीर हो, ऊँच हो, नीच हो, सारे एक समान हैं। इस छठ घाट पर ये हम लोग नहीं देखते हैं इस पे IAS की पत्नी पूजा कर रही है, ये नेता की पत्नी पूजा कर रही है, या एक रिक्शा चलाने वाले की पत्नी पूजा कर रही है। हमारे नज़र में सभी समान हैं, और हम छठी मैया से कामना करते हैं कि जो जिस श्रद्धा से यहाँ आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी करें। छठ पर्व हमारे जो भारत की जो परंपरा है, ये जो हमारे सदियों से चलती आ रही है, उत्तरांचल से, तो वो हम आवाज नहीं आ रही है, जोर से आवाज जयकारा तो लगा दीजिए। सूर्य देव की आराधना और पूजा की जाती है, मैया की हमारे आने वाले शांति मिले, सूर्य देवता की शांति और सूर्य देवता की। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।